मनरेगा कार्य के अंतर्गत मजदूरी में भारी कटौती को लेकर डीएनएक्स ने ग्राम पटेवा दुलना का ग्राउंड रिपोर्ट बताया था कि कैसे इंजीनियर द्वारा जितना काम उतना दाम के नाम पर मजदूरी में भारी कटौती किया गया। लेकिन जब डीएनएक्स की टीम मनरेगा कार्य करने वाले लोगों के अवलोकन के लिए गुरुवार को जब ग्राम तुर्री पहुंचा तो वहां की स्थिति इन गाँव की तरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ के ग्रामीणों ने डीएनएक्स रिपोर्टर को बताया कि वे यहाँ पिछले 3 सप्ताह से काम कर रहे हैं। पूर्व में नाली निर्माण का कार्य हुआ है जिसकी प्रतिदिन मजदूरी 176 रुपये व 190 रुपये था, जिसमें सभी का भुगतान पूरा पूरा हुआ है। मतलब इस गांव में ग्रामीणों का मजदूरी में बिल्कुल भी कटौती नहीं हुई है, जिससे यहाँ काम करने वाले सभी लोग काफ़ी खुश हैं और अपने रोजगार सहायिका व मेट के कार्य से संतुष्ट हैं। डीएनएक्स मीडिया की टीम ने मनरेगा में काम कर रहे सुषमा देवांगन, अंजलि मानिकपुरी, लता देवांगन, प्रमिला देवांगन, महेश्वर, जमुना साहू, कुल्फी देवांगन आदि ग्रामीणों सहित अनेकों मजदूरों से मजदूरी कटौती के संबंध में जानकारी जुटाई, जिसमें यह विशेष रूप से मालूम चला कि ग्राम तुर्री में मनरेगा कार्य के तहत कार्य काफ़ी अच्छे से चल रहा है, जिसका नतीजा है सभी के खाते में बिना कटौती किए पूरा भुगतान हुआ है। ज्ञात हो कि ग्राम तुर्री में मनरेगा कार्य के लिए लगभग 16 लाख रुपए की राशि शासन ने स्वीकृत की है, जिसमें नाली 6 लाख रुपए की लागत से व 10 लाख की लागत मूल्य से सुभाष तालाब का गहरीकरण कार्य शामिल है। नाली का काम पूर्ण हो चुका है और अब तालाब में काम चल रहा है, जहां बारी बारी से वार्ड वासियों को काम में लगाया जा रहा है। इस काम में गांव के लगभग 450 लोग मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। गांव के लोग भी शासन द्वारा मांगी जा रही गहराई को देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं गांव की रोजगार सहायिका नंदिनी साहू व मेट सुखीराम साहू व कमल साहू अपने कार्य अनुभव से ग्रामीणों को हर संभव मदद कर रहे हैं। रोजगार सहायिका द्वारा ग्रामीणों की समस्या का त्वरित निराकरण, जॉब कार्ड का डेली निरीक्षण व कार्य करने वाले पंचों की हाजिरी भरने का काम भी कर रहे हैं। जो अनुपस्थित है उनका नाम मास्टर रोल में नहीं भरा जा रहा है। खुद रोजगार सहायिका नंदिनी साहू गोदी पश्चात नाप जोक का काम करती है। यही कारण है कि इस गांव के मजदूर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का पूरा पूरा लाभ मिल रहा है। तर्री गांव में चल रहा मनरेगा कार्य अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि इस गांव में शासन की सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। गाँव के उन्हीं पंचों का मास्टर रोल में नाम भरा जा रहा है जो गोदी कार्य करने आते हैं। पंच शशि नागरची, सुहद्रा ध्रुव, कुल्फी देवांगन, निमेश्वरी साहू ने कहा कि हम सभी पंच जो आज बने हैं इससे पहले भी गोदी का काम करते थे। काम करने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि और अच्छा लगता है कि हम सभी को देखकर उनके वार्डवासी प्रोत्साहित होते हैं। तर्री गांव में एक कमी बाकी, अन्य दूसरी जगह भी जैसे देखने को मिला, जहां छाँव के लिए पंडाल की व्यवस्था की गई थी, मनरेगा कार्य से जुड़ी सूचना फलक नहीं बनाया गया था, इसका कार्य पंचायत एजेंसी को दिया गया है। इस संबंध में सचिव रेवत राम साहू ने कहा कि लॉकडाउन के चलते काम नहीं हो पा रहा था, इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इस पूरे मामले में रोजगार सहायिका नंदिनी साहू ने कहा कि मजदूरों को जितना काम उतना दाम के तहत काम का सिस्टम बता दिया गया है। प्रतिदिन गोदी का नाप कर उनका औसत मूल्य क्या होगा बताया गया है, ताकि मजदूर और अच्छा काम कर सके और उन्हें अपने मेहनत का सही दाम मिल सके। उनके सभी मेट व अन्य सहयोगी अच्छा काम कर रहे हैं। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। आज ग्राम तर्री की सुभाष तालाब में जो मनरेगा काम चल रहा है, यहाँ पर जो 8 से 20 वार्ड के काम चल रहा है मजदूरों का, वहाँ की पंच भी यहाँ पर हैं
और आप देख सकते हैं कि कितने जागरूक हैं महिलाएं, नियमों के तहत काम भी करने यहाँ पर आ रही हैं। आइए इन्हीं से हम जानते हैं। जी बताइए, आप सभी कितने दिनों से काम चल रहे हैं? आप सभी अपने मजदूरों के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, सबको मजदूरी आ रही है, क्या है सब बारे में बताइए। नाली काम में पूरा आगे पैसा। आप सभी काम करते हैं यहाँ पर? 8 से 20 अभी चलाते जी। आप लोग की भी मजदूरी उतनी आती होगी? आप लोग को जानकारी है ना 176 रुपए है मजदूरी का। जी जी, आपके गांव में मनरेगा के तहत जो काम चल रहा है और राशि भुगतान में कोई कटौती तो नहीं हो रही है? नहीं। पिछले बार आपने कहाँ काम किया था, कितना भुगतान हुआ था, इस बारे में बताइए। कितने दिन काम चला था? 12 दिन। कितना रुपए आया प्रत्येक सप्ताह के हिसाब से? पहली सप्ताह का 1,045 रुपया। हाँ। और दूसरे सप्ताह का 1,140। अच्छा, कहीं कटौती तो नहीं हो रही? खुश है आप अपने मेट रोजा सहायक वगैरह सभी? जी, आपका नाम बताइए। लता देवांग। में जो मनरेगा के तहत काम हुआ है उसमें आपका भुगतान और कहाँ पर काम हुआ, कितने दिन काम के संबंध बताइए। नाली गोदी हो गया। कितने दिन काम किए? 12 दिन। कितना रुपया है प्रत्येक सप्ताह के हिसाब से? एक हफ्ता 1,056 रुपया है। जी, आपका नाम? सुषमा देवांग। गोदी काम जो हुआ है आपके गाँव में इसके बारे में बताइए। गोदी बुनाए है, चले है वे 2 हफ्ता नाली में काम करे हैं। जी, उसका पूरा भुगतान हुआ है आपको? हाँ। कितना रुपया आया है? एक हफ्ता के 1,065 रुपया। और कितने दिन काम किए हैं आप उसमें? 12 दिन। नहीं, एक हफ्ता के थे। एक आज सब मिला के 12 दिन। अच्छा, आपका नाम बताइए। जी, वर्तमान में मजदूरों की मजदूरी की कटौती संबंधी भारी समस्या आ रही है, देखने को मिल रही है। क्या आपके साथ आपके गांव में ऐसा हुआ है कि आपके मजदूरी को लेकर हर साल काटे रहे पैसा, तालान में चले रहे? अभी इस वर्ष की बात हम कर रहे हैं। अभी नहीं काटे है, नाली में पूरा पैसा है। जी, कितना रुपया आया होगा? कितने रुपए का रेट आ रहा है? 176 रुपए के दर से आया है। जी, आपका नाम? अंजनी मानिकपुर। वर्तमान में मजदूरी मनरेगा कार्य के तहत मजदूरी के कटौती से भारी समस्या देखी जा रही है, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या तर्री गाँव में? अब हमारे यहाँ तो आया है भैया 1 हफ्ता का 1,055। मतलब वो नाली काम जो वहाँ? हाँ, नाली काम। तो पूरा पैसा है ना? वो पूरा पैसा कितना रेट में दिया है उसको मालूम नहीं। 176 रुपए रोजी है वो, तो पता था ये चीज़? वो तो पता नहीं थी। कितना रुपया है? 1,055। ठीक है, आपका नाम बताइए। समीला। जी, आपके गांव में जो मनरेगा का काम चल रहा है इसमें अधिकतर अभी मजदूरी में कटौती की समस्या देखी जा रही है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। पूरा पैसा है आपके खाते में? कहाँ पे काम किए थे जिसका भुगतान आपके खाते में पूरा हुआ है? नाली कार्य में। आपका नाम? जी, आपके गांव में मनरेगा के तहत काम चल रहा है उस संबंध में बताइए। काम चल रहा है भाई, 3 हफ्ता हो गया है। जी, सारे मजदूर अच्छे से काम करते हैं यहाँ पे? हाँ, सब मजदूर सही काम कर रहे हैं। आपका भुगतान सही आ रहा है, मजदूरी में कटौती तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, भुगतान सही आ रहा है, कोई कटौती होती। कितने रुपए दर है प्रतिदिन? अभी वर्तमान में 190 रुपए मिल रहा है और इससे पहले 172 में मिलता है। जी, उसका पूरा पैसा खाते में है आपके? हाँ जी, सब आ गया। जी, आपका नाम? महेश। जी, आपके गांव में जो मनरेगा के तहत गोदी काम हो रहा है, हाँ। यहाँ कितने दिन उस काम चल रहा है? ये 3रा हफ्ता है। और इससे पहले भी आप काम कहीं हुआ है आप लोग के गांव में? नालीम चले है, नालीम कमा है। उसका भुगतान आपके खाते में सही आया है? हाँ, सही रहता है। कितना रुपया था उसका रोजी? 190 रुपया इसे नाली के, एक बेर के है, एक बेर के 172 रुपया। मतलब पूरा पैसा आया है खाते में? हाँ, पूरा। जी, आपका नाम? जमुना साहू। हमारे साथ इस ग्राम तर्री के रोजगार सहायिका यहाँ पर है और हम अभी मनरेगा के संबंध में इनके जानकारी उठाएंगे। जी मैम, बताइए कब से कार्य प्रारंभ हुआ, कितने लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, कितने मजदूर काम कर रहे हैं,
इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें बताइए। ये सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत तर्री में 11 मई से काम चल रहा है। ये सुभाष तालाब गहरीकरण 123/1 का कार्य है। इसका वर्क कोड 46005 है। इसमें मजदूरी में 921,000 है। फिलहाल एक सप्ताह रोटेशन के आधार पे 1-7 वार्ड हम लोग काम चलवा चुके हैं। उसमें 190 लेबर मौजूद थे और इस वाले काम जो अभी सोमवार से चल रहा है 18 तारीख से, ये 8-20 वार्ड का है जिसमें 235 लेबर हैं और दोनों में ही जनसंख्या के आधार पे 100 में 1 मेट रखने का नियम है, तो 100 में 1 मेट रखी हूँ। अब इसमें ऐसा है 235 लेबर है तो 2 ही मेट रखी हूँ 100-100 के हिसाब से, और 35 लोग को दोनों मेट को आधा आधा डिवाइड कर दी हूँ। अगर 60 लेबर एक्स्ट्रा रहते, 260 रहते तो 60% एक्स्ट्रा है करके एक मेट रख सकती थी। 4 लोग मेरे पास डाक बेलिंग में है, उन लोग का बाकी मजदूरों के तरह है। मेट का वन्य मजदूरों से 7-8 रुपए एक्स्ट्रा रहता है। पिछले नाली का आपका काम आपका गांव में, उनकी हाँ, भुगतान सभी को हो चुकी है? हाँ सर, हो चुका है। जिन लोग निकाले हैं उन लोग निकाले हैं, जिन लोग निकाले च नहीं है उन लोग नहीं निकाले हैं। उसमें मैं सबसे पहले 14 मार्च में से काम स्टार्ट कराई थी, उसमें 176 रुपए का टास्क दर था। वो एक सप्ताह चला, उसके बाद 6 दिन करने के बाद 1 दिन हम लोग अवकाश रखते हैं। कंटिन्यू लेबर को 7 दिन काम नहीं ले सकते, 6 दिन काम लेने के बाद हफ्ता बनता है, 1 दिन हम लोग अवकाश रखते हैं। जस्ट उसके दूसरे दिन जनता कर्फ्यू लग गया और मोदी जी ने लॉकडाउन पूरे भारत देश में घोषित कर दिया। फिर लगभग 1 माह या उसके आसपास का ही ब्रेक लग गया। फिर हम लोग इसको 24 तारीख अप्रैल से चालू किए, जिसमें 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष के हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए 190 रुपए टास्क दर रखा गया था। तो 190 रुपए एक सप्ताह का पेमेंट गया है लेबर का, 6 दिन का, और एक सप्ताह जो अप्रैल के पहले था मार्च में, उसमें 176 के दर से गया। मतलब आपके गांव के जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं उनको पूरा पैसा मिल रहा है? जी सर, बिल्कुल। अभी कटौती तो नहीं हो रही है कहीं? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है एक भी मजदूर का कटौती। गाँव में अपने यहाँ पे तालाब में पंडाल क्यों नहीं लगाया है? सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पंडाल नहीं लगाए हैं सर। अगर पंडाल लगाएंगे तो समस्त लेबर के लिए पूरे कार्यस्थल पे पंडाल लगाना तो आप समझ सकते हैं इम्पॉसिबल ही है। और अभी जब शासन हमसे प्रेम से भी नम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहे हैं हमारे बचाव के लिए ही कि सोशल डिस्टेंस का पालन आप करिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए बार बार, ऐसा सब चीज बोल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सुबह का समय रहता है, मजदूर लोग भी समर्थन में है कि सुबह सुबह कर लेते हैं, चल देते हैं तो ठीक है करके। कितने बजे आते हैं, टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग 6 बजे रखे हैं सर हम लोग सुबह 6 बजे से। अब मजदूर से आप बात किए हो तो आपको सारी जानकारी हुई होगी। आपका नाम? मेरा नाम नंदिनी साहू है जी।